हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने की थी इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमें एक 3D पिक्चर गिवन होगी। जैसे आप मेरे राइट साइड पे पिक्चर गिवन है 3D, उसको किस में कन्वर्ट करना, हमने 2D में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है? तो आज हम एग्जाम्पल करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैंने इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड क्या होता है, सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। तो उसमें मैंने बताया था भी हम डायग्राम सेकंड और फोर्थ में नहीं बनाते, क्योंकि उसमें जो व्यूज़ है वो क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। हम डायग्राम किस में बनाएंगे या पेपर में किस में क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनाओ डायग्राम या थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट एंगल क्या कहता है, कहता अगर किसी को, मैंने पहले उसमें बताया था भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके 6 व्यू होते हैं, 6 व्यूज होते हैं, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लेफ्ट राइट साइड व्यू और लेफ्ट साइड व्यू, टॉप व्यू और बॉटम व्यू। हम रेयर व्यू बनाते नहीं, जो बैक साइड व्यू होता है वो नहीं बनाते, रेयर कितने के 5 व्यूज। तो फर्स्ट एंगल क्या करता है, कहता अगर किसी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बना लिया तो उसका टॉप व्यू नीचे बनेगा। क्लियर है? अगर टॉप व्यू और बॉटम व्यू आपस में ऑपोजिट होते हैं, अगर फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बना है तो बॉटम व्यू कहाँ बनेगा, ऊपर। ये कौन कहता है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और रह गया साइड व्यू। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहता है, जो राइट वाला व्यू है देखना राइट से है, बट बनाना कहाँ है, लेफ्ट पे। राइट साइड व्यू को देखना राइट से, बनाना लेफ्ट साइड पे है। इसी तरह जो लेफ्ट साइड वाला व्यू है देखना लेफ्ट साइड से, बट बनाना कहाँ है, राइट, ऑपोजिट है। क्लियर है? और थर्ड एंगल में क्या रूल है, कहता किसी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बना लिया तो टॉप व्यू ऊपर बनाना है। क्लियर? अगर टॉप व्यू ऊपर बन गया तो बॉटम व्यू फ्रंट व्यू के नीचे चला जाएगा। और क्या कहता है थर्ड एंगल, कहता जो राइट व्यू है उसको राइट से ही देखना और राइट साइड पे ही बनाना है। इसी तरह जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट से ही देखना और लेफ्ट पे ही बनाना है। तो ये 5 व्यूज है, ये याद रखना है, क्योंकि पेपर में कहेगा व्यू बनाओ थर्ड एंगल में बनाओ या फर्स्ट एंगल में। ये उनका सिंबल है फर्स्ट एंगल का, ये थर्ड एंगल का सिंबल है। जब व्यू बना दोगे नीचे ये सिंबल बना देना है, वो अपने आप ही समझ जाएगा ये डायग्राम फर्स्ट में या थर्ड में है। फर्स्ट में ये व्यू जो सिंबल है कैसे बना, हमने क्या लेनी है, एक ट्रंकेटेड कोन। कोन क्या होती है, जिसका एक पॉइंट पर डायमीटर 0 होता है, दूसरे पे डायमीटर की कुछ वैल्यू होती है। ट्रंकेटेड कोन मतलब यहाँ से इस कोन को काट दूं, जो बाकी बचेगा इसको कहते हैं ट्रंकेटेड। क्लियर है? अब फर्स्ट क्या कहता है, ये फ्रंट व्यू है ये साइड व्यू। अब फर्स्ट क्या कहता है, जो लेफ्ट वाला व्यू राइट पे बनना है, राइट वाला व्यू लेफ्ट पे बनना है। तो कहता अगर मैं इस साइड से देखूं इस कोन को तो यहाँ से भी गोल दिखेगी और यहाँ से भी गोल दिखेगी, तो ये साइड व्यू हो गया। मतलब लेफ्ट वाला व्यू कहाँ बन गया, राइट। अगर कहता राइट से देखता तो लेफ्ट यहाँ बनना था, बट उसमें क्या, ये सर्कल तो दिख जाना था बट ये सर्कल नहीं दिखना, क्योंकि ये सॉलिड किसी मेटल या वुडन की बनी होगी, तो ये वाला सर्कल नहीं बना, तो वो आना था डॉटेड, इसलिए हमने इस साइड वाला व्यू नहीं बनाया। क्लियर? थर्ड क्या कहता है, अगेन ट्रंकेटेड कोन ले ली, थर्ड क्या कहता है, लेफ्ट है उसको लेफ्ट से ही देखना और लेफ्ट पे ही बनाना है। इस साइड से देखूंगा ये भी सर्कल बनेगा और ये भी, उसी साइड पे बना दिया। इसमें क्या, देखना इस साइड से, बनाना उस साइड पे, साइड व्यू। इसमें इस साइड से देखा, इसी साइड पे बना दिया। क्लियर है? तो एक फर्स्ट एग्जांपल है हमें गिवन है, क्या कह रहा है, कहता फिगर बिलो, नीचे जो फिगर गिवन है शोज द पिक्टोरियल व्यू। पिक्टोरियल व्यू होता है 3D व्यू, 3D व्यू को कहते हैं पिक्टोरियल व्यू। एक 3D पिक्चर होती है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट दिखती है, उसको कहते हैं पिक्टोरियल व्यू। कहता फिगर गिवन है जिसमें पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया, ड्रा टू ए फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल मतलब जितनी डिमेंशन गिवन है उतनी ही लेके चलनी है। क्लियर? ड्रा टू ए फुल साइज स्केल, सेम डिमेंशन लेके चलनी है जो गिवन है। दी फॉलोइंग व्यूज इन थर्ड एंगल, अब गिवन दे दिया, कहता नीचे वाले व्यू बनाने हैं थर्ड एंगल में। थर्ड एंगल मतलब ये वाला रूल फॉलो करना है। क्लियर है? कौन कौन से व्यू बनाने हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। 3 व्यू बनाने हैं इस डायग्राम के, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। अब फ्रंट हमें ये गिवन है, उसने मेंशन किया हुआ एफ, कहता जो फ्रंट है इस साइड से देखना है। एक ये भी प्रिंसिपल याद रखना है, जब भी फ्रंट व्यू हो तो याद रखना है
हमें कौन कौन सी डिमेंशन दिखेगी, लेंथ इनटू हाइट। जब टॉप व्यू आ जाए कौन सी डिमेंशन दिखेगी, हमेशा हमें एक तो दिखेगी हमें ब्रेड्थ, एक दिखेगी हमें लेंथ। जो साइड व्यू हो चाहे लेफ्ट और राइट हो, उसमें क्या क्या दिखेगा मेरे को, हाइट और ब्रेड्थ, ये याद रखनी। अब फ्रंट व्यू है, देखना किस साइड से है, इस साइड से, तो क्या क्या दिखेगा, कौन कौन सा पोर्शन दिखेगा अगर मैं इस साइड से देखूं डायग्राम को, इस साइड से। एक तो ये बॉक्स दिखेगा नीचे बेस, और सामने से ये, और तो नहीं कुछ दिखेगा, कौन कौन सा पोर्शन दिखेगा मेरे को, ये रेड वाला जो मैंने शेडेड किया। तो सबसे पहले बेस लाइन बनाते हैं, नीचे वाला बॉक्स कितने का, 100। तो 100 मतलब 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लूंगा, क्लियर है। फिर क्या करना है, ऊपर जाना है, ऊपर कितना जाना है, चेक करो कहाँ डिमेंशन गिवन है, यहाँ नहीं गिवन, यहाँ भी नहीं गिवन, ये लास्ट पे गिवन है, कितनी 15। इस साइड से भी 15 जाना है और इस साइड से भी 15, 15 दोनों कॉर्नर से 15 की लाइन ले लेनी। फिर ये दोनों कॉर्नर आपस में जोड़ देने, क्लियर। ये बन गया, रह गया ये दोनों, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से या इस कॉर्नर से, मेरे पास दो कॉर्नर है, डिस्टेंस देखना पड़ेगा इस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे बने और इस कॉर्नर से। ये नीचे गिवन है 30, कितना 30, इस कॉर्नर से भी 30, इस कॉर्नर से भी 30। तो मैं ऊपर जाऊंगा, 30 वाला पॉइंट ले लूंगा इस साइड से भी और 30 वाला इस साइड से, क्लियर है। फिर क्या करना है, ऊपर जाना, ऊपर कितना जाना है, ये गिवन है 50, 50 क्या करना है, ऊपर जाना, क्लियर है, ऊपर चले गए। अब जाना है इस साइड पे, कितना, ये गिवन है 10, टेन। फिर क्या करना है, वापस आ जाना उसी लाइन पे, क्लियर, ये बन गया। अब रह गया ये, इधर से हमने 30 पे पॉइंट लगाया था, ये भी गेन क्या है 50, ऊपर फिर 10 फिर वापस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रंट व्यू, क्लियर है। अब बनाना है टॉप व्यू। जब भी डायग्राम आ जाए तो कोशिश करना सबसे पहले फ्रंट व्यू ही बना करेगा, फ्रंट व्यू के बाद टॉप व्यू, साइड व्यू दोनों व्यूज के बाद ही बना करेंगे, क्लियर है। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, अब बनाना टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या दिखेगा मेरे को, ब्रेड्थ और लेंथ। लेंथ दिखेगी टॉप व्यू, ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से इस डायग्राम को देखूंगा तो क्या क्या चीज दिखेगी मेरे को, कौन कौन सी व्यू दिखेगा, एक तो दिखेगा मेरे को ये, और एक ये दोनों दिखेंगे टॉप से देखूंगा, एक ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा पीछे जो है, ये भी दिखेगा जो सेंटर है, सेंटर पे है। तो मेरे को कितने पार्ट्स में टॉप व्यू दिखना चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5, क्लियर। टॉप व्यू में क्या क्या दिखना है, ब्रेड्थ और लेंथ, ब्रेड्थ और लेंथ। फ्रंट और टॉप में कौन सी डिमेंशन कॉमन है, लेंथ। तो मैं क्या करूंगा, नीचे से प्रोजेक्शन लाइंस खींचूंगा। प्रोजेक्शन लाइंस का काम क्या होता है, मेरे को गाइड करना, तो ये मैंने प्रोजेक्शन लाइंस खींच ली। ये बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम है जस्ट मेरे को रास्ता दिखाना, जहां जहां पॉइंट बन रहे हैं वहां से मैंने प्रोजेक्शन लाइन ले ली, क्लियर है। तो ये मेरी होगी लेंथ। टॉप व्यू में क्या दिखना है, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ तो फ्रंट व्यू से मैंने ले ली, 100 कॉमन ही है, क्लियर है।
ये लाइन ले ली। अब रहेगी चौड़ाई कितनी है, 50। दोनों साइड से 50-50 का। उसके बाद बैक साइड लाइन जो बंद हो रही है, ये बाउंड्री बन गई टॉप व्यू की। अब इसके अंदर क्या है वो चेक करते हैं। टॉप से क्या दिखना है, जो टॉप व्यू है कितने पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर? ये कौन बताएगा कौन कहाँ से आना है? ये नीचे से मेरे पास प्रोजेक्शन लाइन आ रही है। सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ इसको, ये वाली लाइन को जो टॉप से दिखेगी, ये वाली लाइन। ये नीचे से प्रोजेक्शन आ रही, कितने डिस्टेंस पे है, 30। मेजर करने की जरूरत ही नहीं, नीचे ऑलरेडी ये पोर्शन बना हुआ है, मैं यहाँ से ले लूंगा। ये फर्स्ट बॉक्स बन गया। अब रह गया ये छोटे वाला, ये नीचे वाला ही डोमेन। वैसे कितने का है, 10 का। डिस्टेंस से भी ले सकते हो 10, नहीं तो नीचे से ये प्रोजेक्शन, ये भी 10 ही है क्योंकि ऑलरेडी हम फ्रंट व्यू में इसको बना चुके हैं। एक पार्ट बन गया, दो। फिर रह गया सेंटर वाला, इन दोनों के बीच ये रहा। फिर ये वाला पोर्शन, फिर रह गया ये ऑलरेडी बन गया। तो टॉप व्यू कितने पार्ट्स में था, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्लियर है? अब रह गया साइड व्यू। साइड व्यू किसके पैरेलल बनता है, फ्रंट, थर्ड एंगल में बनाना ना। फ्रंट बन गया, टॉप व्यू ऊपर बना दिया। अब रह गया साइड व्यू। अब साइड व्यू दो है, लेफ्ट और राइट। उसने मेंशन नहीं किया कौन सा साइड व्यू बनाओ, एक ही बनाना होता है, चाहे लेफ्ट बना लो चाहे राइट। बट वो देखना है भी कौन सा व्यू इजिली दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है या राइट। अब मेरे को डायग्राम है, मेरे को ये वाली व्यू ज्यादा क्लियर दिख रहा है, इस साइड वाला व्यू ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि वो छिपा हुआ। तो इस साइड वाला व्यू ये कौन सा हो गया, मेरी राइट साइड। राइट साइड थर्ड एंगल में राइट साइड कहाँ बनती है, जहाँ पे राइट है। राइट को राइट पे ही बनाना, थर्ड क्या कहता है, राइट साइड को राइट साइड पे ही बनाना है। तो मैं इस साइड से देखूंगा। अब साइड व्यू में कौन कौन सी डिमेंशन दिखती है, हाइट और ब्रेड्थ। जो भी साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के पैरलर बनाना है। फ्रंट व्यू के पैरलर बनाना है, दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, हाइट। हाइट कॉमन है, तो ये डायग्राम की हाइट है। तो यहां से मैं अगेन क्या करूंगा, प्रोजेक्शन लाइन खींच लूंगा। ये मेरी आ गई प्रोजेक्शन लाइंस। क्लियर है? अब रह क्या गया, ब्रेड्थ। हाइट ले ली, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है, चौड़ाई 50। बेस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो बेस से मैंने क्या ले ली, 50 ब्रेड्थ। हाइट कितनी है वो मेरे को फ्रंट व्यू में बता दी, क्योंकि फ्रंट व्यू और साइड व्यू में हाइट एक कॉमन डिमेंशन है। ये आ गया, बॉक्स बना लेना। ये बॉक्स बन गया साइड व्यू का। अब इसके बीच में क्या क्या आना है, अब साइड व्यू में कौन सी डिमेंशन, कौन कौन से पोर्शन दिखेगा। एक तो ये वाला दिखना है, इस साइड से देखूंगा। एक ये सामने, क्लियर है, जो ब्लू कलर में मैंने शेडेड किया। एक ये वाला बॉक्स, एक सामने वाला। तो सामने वाला कितने डिस्टेंस पे है, 15। ये भी 15 में थी, बना डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं, यहां से प्रोजेक्शन लाइन लेके इसको डिवाइड। तो कितने पोर्शन में था साइड व्यू, पार्ट्स में डिवाइड करना, 1 और 2, 1 और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो। क्लियर है? तो ये बन गए व्यू। अभी ये डायग्राम कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसकी डिमेंशनिंग भी करनी है। क्लियर है? तभी जाके डायग्राम कंप्लीट होगी। डिमेंशनिंग कितना साइज गिवन है, 100। क्लियर है? इसी तरह ये हाइट, यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी थी, 50। तो इसकी भी डिमेंशनिंग करनी है।
50, क्लियर है। इसी तरह ये कितना, टेन। जब डिस्टेंस छोटा हो जाए, मैंने बताया था, तो एरो बार बनाते आउटसाइड की तरफ बनाते, ये डिस्टेंस था टेन, चाहे यहाँ कर दो चाहे यहाँ, दो हमने यहाँ कर दी, एक यहाँ कर देंगे एक यहाँ कर देंगे, तो खाली खाली नहीं लगेगा, क्लियर है। एक रहेगी इसकी, अब यहाँ भी दोनों में गैप कम है तो मैं एरो बार की तरफ बना दूंगा, कितना है 15, क्लियर है। एक रह गया इसकी डिमेंशनिंग ब्रेड्थ की, कितनी है 50, क्लियर है। एक चीज ये रहेगी, अब यहां पे लिखना भी है ये कौन सा व्यू है, टॉप। इसी तरह इसके नीचे लिख देना कौन सा व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू और यहां लिख देना कौन सा बनाया थर्ड एंगल में, राइट वाले पे राइट साइड व्यू, राइट साइड व्यू। तो ये मेरी एग्जांपल कंप्लीट हो गई। ये इसमें से पेपर में से कंपलसरी है, दो क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। मैकेनिकल ब्रांच के लिए तो स्पेशली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उनके लिए ड्राइंग 2 साल के लिए होती है, तो उसमें यही सारे ऑर्थोग्राफिक व्यू ही आने हैं। पिक्चर दे देगा उसका, फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉप व्यू बनाना होगा, क्लियर है।